नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के मामले में आज फिर से सुनवाई है। दानापुर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या पूर्व कानून मंत्री को कोर्ट से राहत मिलेगी। अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो उनके संपत्ति की कुर्के के लिए आदेश जारी हो सकता है और उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा सकती है। अभी पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको बॉडीगार्ड भी मिला हुआ है, लेकिन कार्तिकेय सिंह अपने दोनों बॉडीगार्ड को घर पर छोड़ करके अभी फरार चल रहे हैं। उनको शक है कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके बॉडीगार्ड का इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए जो है अपने साथ वो बॉडीगार्ड को भी नहीं रख रहे हैं। बता दें कि 1 सितंबर तक उनके गिरफ्तारी पर रोक लगी थी, बाद में वो मंत्री बने, फिर इस्तीफा दिए, लेकिन पिछले 14 तारीख को उनके मामले पर सुनवाई थी, लेकिन उस दिन मजिस्ट्रेट जो है छुट्टी पर थे, इसीलिए सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब जो है आज सुनवाई है। अगर दोपहर तक उनको नहीं राहत मिलती है तो फिर बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है राजद के जो कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व कानून मंत्री के समर्थक हैं, वो कोर्ट की तरफ निगाहें लगा करके बैठे हैं। लेकिन आज सुनवाई होनी है। अगर दोपहर तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो फिर मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती है। बता दें कि 2014 का ये मामला है, बिल्डर राजू सिंह के अपहरण का ये मामला है। पूर्व विधायक अनंत सिंह, जो बाहुबली विधायक है, उनके साथ वो राजू सिंह का अपहरण करने गए थे। उनका नाम भी उस FIR में दर्ज है। जब महागठबंधन सरकार में वो मंत्री बने तो BJP के नेता जो है लगातार महागठबंधन सरकार को घेरने लगे। कई चैनलों पर सुर्खियां बनी कि जिस दिन उनको सरेंडर करना था उसी दिन वो कानून मंत्री का शपथ लिए। इसको लेकर के देश विदेश की मीडिया जो है नीतीश कुमार को घेरने लगे और उसके बाद जो है उनका विभाग बदला गया। लेकिन विभाग बदलने के कुछ ही घंटों बाद पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह इस्तीफा दे दिए। उनका कहना था कि मेरी वजह से तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दामन पर दाग लग रहा था, प्रश्न चिन्ह उठ रहा था, इसीलिए मैं इस्तीफा दिया और मैं कोर्ट से बरी हो जाऊंगा तो मैं फिर से जो पार्टी हमको अहदा देगी उसको हम जरूर संभालेंगे। लेकिन इस वक्त जो है कार्तिकेय सिंह को लेकर के लगातार हलचल तेज है। आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। अगर कोर्ट से उनको बेल मिल जाती है तो बड़ी राहत होगी। खबरें हैं कि दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दोपहर के बाद ही पता चलेगा कि क्या उनको बेल मिला है या फिर कोर्ट जो है उनके गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ। धन्यवाद।